आप बता नहीं कह रहे हो, मैं मान जा, मैं आया 8 फरवरी को कौम ने बता नहीं दिया कि इमरान खान के साथ खड़े थे से ये सारा जो बुलबुला तो हुकूमत का बना हुआ है किथे वोट ही वोट ही अच्छा आप कहना कि आप कहना कि वोट की कोई इज्जत नहीं है, वोट से इज्जत वोट नहीं बनती है हुकूमत, आप ये कहना सर मेरी गल सुनो, मेरे नाल फजूल बोलने की जरूरत नहीं है, फजूल बोल रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं कि दावे जितने मर्जी कर ले, दावा कर लो तुसी के चांद उत्ते पाकिस्तान गया होया और तुसी बोलने से बड़े अच्छे हो, वो जुबान ताड़ी बहुत लंबी होए, किसी ने बात की क्योंकि पीटीआई ने कहीं नहीं कहा, आप निकाल के नहीं पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से निकाल के दिखाइए कि उन्होंने क्यों करेगी ऑफिशियल अकाउंट तो है ही नहीं ना। दूसरी बात यह कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर ट्रंप खुद आके अडयाला जेल का ताला खोल के और इमरान को कहना बाहर आ जाओ, इमरान खान तब भी बाहर नहीं आएगा। अच्छा ट्रंप का तो वीडियो पे पैगाम आप देख लें जिसमें उसने कहा कि मैं करूंगा इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ, तो पीटीआई ने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी, ट्रंप ही बेवकूफ बनाया गया, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ठीक है वो डॉक्टर है और आपको भी बेवकूफ बनाया, सुन लेना मेरी बात, आप दो चीजें तक फैक्चुअली गलत बता चुके, एक आपने मुझे कहा एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीटें डिलीट की हैं, इमरान खान साहब के हाथ में इतनी ताकत आ गई है कि अवाम को अगर वो कहें कि एनु प्यार करना है तो वो प्यार करेंगे, अगर इमरान खान साहब कहें इसे हेट करना है तो वो हेट करेंगे, ठीक है ट्रंप की कॉल आती है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, व्हाट वुड बी अमेरिकन इंटरेस्ट, उससे अमेरिका को फायदा क्या होगा, बंदर के हाथ में कुल्हाड़ा या तलवार दे दी, मालिक साथ सो गया तो वो मक्खी मालिक के नाक पे बैठी, तो उस बंदर ने तलवार से मक्खी उड़ाने की कोशिश में, कुल्हाड़े से मक्खी उड़ाने की कोशिश में मालिक के नाक ही काट दी, इमरान खान की नाक वो है जो जिस पे वो मक्खी नहीं बैठने देता, तो ये बस वो कुएं के मेंढक की तरह इनकी एक बड़ी महदूद सी सोच है और उसको ये आगे मुझे तो ऐसे उन लोगों पे आ रही है जो अपने ट्विटर डिलीट कर रहे हैं, लैंग्वेज में बात की कि जी ट्रंप को हमारा अब्बा लगता, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ट्रंप की कामयाबी के बाद जिस तरह पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अब इमरान खान को ट्रंप रहा कराएंगे, इसी पर बात करते हुए आज मंसूर अली खान के शो में सीनियर तजियाकार एसआर राणा और इमरान शफकत के दरमियान लाइव शो में जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई और ग्रीदा फुकी ने जलती पर तेल का काम किया। आए पहले इन तीनों मेहमानों की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस बार तफसील से बात करते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा, ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जनाब साड़ी गल हो गई है, नून लीग को तो पहले ये लोग ताने तशने देते थे, ये जो एक नया नैरेटिव स्टार्ट हुआ है पिछले एक दो दिन से, ये बाकी एना दी गल हो गई है या ये बिला वजह सिर्फ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारा कुछ कहा जा रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब ने, गल वल तो कुछ भी नहीं हुई, और आप अगर शहबाज गिल के बयान पे एतबार कर रहे हैं या उनके बयान को आप समझते हैं कि क्रेडिबल है, उनकी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर कोई स्टैंडिंग नहीं है, पीटीआई में कोई उनको सीरियस नहीं लेता, उनके अपने घर में मेरा ख्याल है कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता, वो जब यहाँ पर कैद थे पाकिस्तान में भुगत रहे थे अपने किए की सजा, तो उनकी फैमिली में से कोई उनसे ना तो मिलने आया ना किसी ने उनका हाल चाल पूछा, तो ये तो उनका अपनी फैमिली के अंदर हाल है कि उनको फैमिली में से कोई नहीं पूछता, पीटीआई के अंदर कोई नहीं पूछता, पार्टी के अंदर कोई से नहीं है, वो सिर्फ एक अपनी जो एक नाम निहाद वर्थ है उसको शो करने के लिए कोई ट्वीट डाल देते हैं, कुछ कभी कुछ कर देते हैं, वो आपने सुना होगा ना कि एक बंदर के हाथ में कुल्हाड़ा या तलवार दे दी, मालिक साथ सो गया तो वो मक्खी मालिक के नाक पे बैठी, तो उस बंदर ने तलवार से मक्खी उड़ाने की कोशिश में, कुल्हाड़े से मक्खी उड़ाने की कोशिश में मालिक की नाक ही काट दी। अच्छा तो ये काम किया है शहबाज गिल ने कि अपने मालिक की नाक काटने के पीछे वो तरफे पड़े हुए हैं, और यही काम कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो तमाम सोशल मीडिया के लोग वगैरह। आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट पकड़ा है मंसूर अली खान साहब कि जी ये जो आप और जो आपने इसको एक कोलैबोरेट किया है, कॉन्टेशन डेवलप की है कि जी आप नून लीग को कहा करते थे साड़ी गल हो गई, उस वक्त आप एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ताने दिया करते थे, अब आपकी तो गेम बहुत बड़ी हो गई है आपके मुताबिक, आप अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गए हैं और आप वहां से ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं कि बस एक कॉल आएगी और फिर वो एब्सोल्युटली नॉट और अमरीका की गुलामी, अरे इतने तजादात है कि इंसान चकरा के रह जाता है कि भाई खुदा का नाम ले किसी एक थां से खलोते जाओ, आप पे कोई एक सेंस तो हो कि जी ठीक है हमने अमेरिका से कोई गुलामी नहीं लेनी, हमने अमेरिका के किसी डिक्टेशन पे काम नहीं करना, अमेरिका के किसी कॉल को किसी लेटर को हमने कोई दरखुरे एतराज समझना ही नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल ठीक बात की, उन्होंने एक अवामी लैंग्वेज में बात की कि जी ट्रंप कोई हमारा अब्बा लगता, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पे लोग हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर और ये शहबाज गिल टाइप के लोग जिनको मैं कोई वक्त नहीं देती, लेकिन इन्होंने तो ट्रंप को एक तरह से अपना अब्बा बना लिया, और ये लोग ऐसे सूडोज हैं कि इनको अकल नहीं है कि ट्रंप के लिए इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स, ट्रंप जो इलेक्शन जीता है वो अपनी महंगाई के खात्मे के हवाले से, इकोनॉमी को ठीक करने के नारे पे जीता है, बेरोजगारी खत्म करने के नारे पे जीता है, हेल्थ केयर को ज्यादा आसान ज्यादा सस्ता करने के नारे पे जीता है, सरहदें बॉर्डर सील करने, इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले पे और जंगें खत्म करने के हवाले से, ना तो कहीं इमरान खान का जिक्र था, और ये जो 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 ट्वीट उन्होंने किया ना कि जी चंद लोगों से मुलाकात हो गई है, भाई फंड रेजिंग होती है, लोग पैसे देते हैं अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन्स के लिए, इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान तो आपकी अगर किसी कैंडिडेट से मुलाकात भी हो एक सेकंड की एक मिनट की तो आपको कई कई हजार डॉलर्स उसके देने पड़ते हैं, तो ये बस वो कुएं के मेंढक की तरह इनकी एक बड़ी महदूद सी सोच है और उसको ये आगे ये राणा साहब ये बेवकूफी करती है ये इस किस्म की बात करके, ये आमतौर पे तो अगर होता भी है जैसे कहते हैं ना साड़ी गल हो गई, अगर हो भी जाए उसे माना तो नहीं जाता, यहाँ पे तो बताए जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। मैं अब सिर्फ सोच रहा हूँ कि ये अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आने वाले किसी महीने में अगर खान साहब को रिलीज कर दिया गया और शायद मेरिट पे कर दिया जाए, हो सकता है, तो
ये तो कीचड़ उछला जाएगा इनके ऊपर जनाब, क्योंकि ताड़ी गल हो गई सी, तो इस वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा देखिए, एक बात तो ये कि गरीदा ने जो कहा है कि उसने नाक काट दी, इमरान खान की नाक वो है जो जिस पे वो मक्खी नहीं बैठने देता। अच्छा। और इस तरह की छोटी मक्खियाँ उसका मैटर भी नहीं है। पता नहीं कितने इस तरह के लोग हैं जो ट्वीट करते हैं, और फिर चलो ये ट्वीट कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसे उन लोगों पर आ रही है जो अपनी ट्विटर डिलीट कर रहे हैं। कौन ट्वीट डिलीट कर रहा है? एहसन इकबाल, इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं। एहसन इकबाल ने कोई ट्वीट डिलीट किया? जी जी, इत्तला का जो दो तीन उसने ट्वीट की थी उसके लिए। वो ट्वीट सुधर की उधर ही। अच्छा, ये इसी तरह ही है जैसे हम इन ट्वीट्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि ये हुई हैं या उसने ये कहा है या वो कहा है। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि इन ट्वीट का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज गिल के ट्वीट का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल अगर इतना होता तो यहाँ बैठ के बात कर रहे होते ना। नहीं, वो तो चले गए। शहबाज गिल की पीटीआई के अंदर कोई वक्त नहीं। अभी गरीदा, मैं तो गरीदा के साथ खड़ा हूँ, मैं इस हद तक खड़ा हूँ। आप एग्री कर रहे हैं? इस हद तक, इस हद तक कि वो यहाँ से चले गए, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। सर वो एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे, यूएन के बारे में एहतजाज किया, अभी उन्होंने स्पेन के बारे में जो मर्जी करते फिरे ना। देखें, जो लोग यहाँ पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, जो यहाँ पे चीजों को फेस कर रहे हैं, उनके स्टांस कुछ और है। जो यहाँ से चले गए और जाके सेफ साइड पे जाके बैठ गए, वो कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ और मामला है। दूसरी बात यह कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर ट्रंप खुद आके अडयाला जेल का ताला खोल के और इमरान को कहना बाहर आ जाओ, इमरान खान तब भी बाहर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी, उसने जो ये स्ट्रगल इसकी है वो इसलिए नहीं किया कि उसके ऊपर नवाज शरीफ टू का तमगा लग जाए। अच्छा। और वो जनाब नवाज शरीफ की तरह को बेनिफिशियरी होके और कोई बीच में खलीज के वो लोग शामिल हों ले जाए, इमरान नहीं जाएगा। तो ये पीटीआई वाले क्यों कह रहे थे? ये पीटीआई वाले दो लोग हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट तो हम कह रहे हैं ना, तो इमरान खान भी एक ही बंदा है, इंपॉर्टेंट आदमी है। नहीं, इमरान खान एक नहीं है, इमरान खान तो पूरा एक जिसे कहते हैं ना किस्सा है, लीडर है, तो एक इंसान ना। इसी तरह देखिए, इन दोनों लोगों को, शहबाज गिल को और जुल्फी बुखारी को, ये जिम्मेदारी दी गई है पीटीआई की तरफ से कि आपने बाहर के मुल्कों में नैरेटिव बिल्डिंग। जुल्फी बुखारी जाके यूके के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलते हैं, लॉर्ड से मिलते हैं, उधर से शहबाज गिल जो है वो जाके सेनेटर से मिल रहे हैं, रिपब्लिकन से मिल रहे हैं, इन कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं, वहां पे किस हैसियत से मिल रहे हैं? ठीक है, जातीय हैसियत लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, ये कुछ भी कर ले, कोई और भी बोल ले, सब बोल ले, फैसला इमरान खान ने करना है। और इमरान खान का मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ आपको, ट्रंप खुद आके कहना कि दोबारा जब वो नहीं आएगा, जब तक वो एक प्रोसेस से बाइजर तरीके से इन्हीं अदालतों से वो इंसाफ रिलीफ नहीं, इंसाफ लेकर नहीं निकलेगा। इमरान साहब फारिग है जी, डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ नहीं कर सकता। खान का ये नैरेटिव लाया है, एहसान राणा साहब ने फारिग करवाया, लेकिन पीटीआई वाले तो नहीं कर रहे। आप पीटीआई की एज होल पार्टी, उनके मां स्वाय जो अभी आपने नाम लिया अलीमा खान साहब के, उसके अलावा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मतलब उनके इधर आप सारे ट्वीट ने इतनी लंबी ट्वीट की है कल, आप अपनी बात के पक्के हैं, दिल के पक्के हैं, मैन ऑफ वर्ड्स, तो ये अगर इशारा राणा साहब की अपनी जो है वो कह रहे हैं कि कोई मुकुट नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज से सॉरी, एक चीज और इसमें साड़ी गल हो गई, मैंने एक फर्क है, जब हम कहते थे साड़ी गल हो गई है तो जिनसे गल हुई थी वो ओन नहीं करते थे। ट्रंप का तो वीडियो पे पैगाम आप देख लें जिसमें उसने कहा कि मैं करूंगा इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ, तो पीटीआई ने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी। ट्रंप ने कहा जी, वीडियो नहीं चली, आपने नहीं देखी वो वीडियो? मेरे पास सब कुछ, मैंने कोई सेव, आप निकाल, मैं कोई वजीर आला थोड़ी लोग वीडियो इकट्ठी करके रखूंगा लोगों की, ठीक है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप ये शेयर कीजिए, मैं इसको स्क्रीन पे चलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि झूठी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं क्यों झूठ, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। आपने मुझे डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो निकाल के दिखानी है? बिल्कुल दिखाऊंगा, जिसमें उसने कहा है कि जी मैं इमरान खान के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरे पास वीडियो ऑथेंटिकेट नहीं, वो मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं वो आपके साथ हुआ क्या। आपको 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 भी बेवकूफ बनाया गया, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, वो डॉक्टर्ड है। और आपको भी बेवकूफ बनाया गया, सुन लेना मेरी बात। सर आप दो चीजें अब तक फैक्चुअली गलत बता चुके हैं। एक, आपने मुझे कहा एहसन इकबाल ने अपनी ट्वीटें डिलीट की हैं, वो नहीं हुई, सुन लेना मेरी बात, वो नहीं हुई। दूसरा, आपने मुझे कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो के ऊपर कहा कि जी मैं इमरान खान के लिए बहुत कुछ करूंगा, ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, और उसके बाद अपने एनालिसिस का पहाड़ जो है वो उसके ऊपर खड़ा करते हैं, जो चीज फैक्चुअल है। मैंने पहले जो जिसमें मैंने आपसे बात की ना, उसमें कहीं ये वाली बात कोड नहीं की, ये कोड मैं तब कर रहा हूँ, साड़ी गल हो गई पे, मैं कह रहा हूं कि पीटीआई का बयानिया अगर गल हो गई है पे खड़ा है ना, तो वो उस वीडियो के ऊपर खड़ा है जिस जो वो मुझे नहीं पता। नहीं, मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूं, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं, दिस इज एन एविडेंस, जो बिल्कुल ठीक है, ये है, मैं तो वो मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जिस पे पीटीआई ने अपना बयानिया बनाया ना, तो उसकी ट्रंप की आई, ट्रंप के जीतने पे वो चाहे बाद की बात है कि सही है या नहीं, बात की बात नहीं है, सबसे बेसिक बात है। अब तक इसके ऊपर क्यों नहीं किसी ने बात की? क्योंकि पीटीआई ने कहीं नहीं कहा, आप निकाल के, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से निकाल के दिखाइए, क्यों करेगी ऑफिशियल अकाउंट है ही ना, नहीं, पीटीआई
क्यों करेगी? मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि एक चीज मार्केट में मौजूद है, मार्केट में गलत है। अच्छा गलत है, ये तो हमने कौन सी फ्रांसी करा ली उसकी? मैं आपसे कह रहा हूँ गलत है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ और बोले मैं आई एम बेटिंग माय जर्नलिज्म ऑन दिस कि वो फेक है। और बोलिए और बोलिए, मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, मैं आपके दावे को कभी भी चैलेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि आप मुझे जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके दावे को चैलेंज नहीं करूंगा। यू आर सच ए सीनियर जर्नलिस्ट, मुझे अफसोस होता है कि अगर आप भी फेक न्यूज या फैक्ट चेक ना कर सके, मुझे अफसोस इस बात का होता है। मेरी सुन तो ले, मैंने कहा पे उसको एज एविडेंस पेश कर दिया आपको, मैंने कहा कि जिस बयानिए के ऊपर खड़ी है वो उसने खुद नहीं खड़ा, चले किसी ने घड़ दिया, मैं कहता हूँ किसी ने घड़ दिया, वो उस बयानिए के, उन्होंने अपना कोई बयानिया नहीं बनाया कि साड़ी गाल हो गई है। ये दो ट्वीट है ना, अच्छा ये पीटीआई के साथ के कितने 5 करोड़ लोग खड़े हुए, जुल्फी बुखारी दो बंदों पे हम कैसे खड़े से लेके उनकी सियासी जिंदगी तक एक बड़ा अहम किरदार है जुल्फी बुखारी जी। अब अगर ये तो राणा साहब का एजाज है कि अगर वो कहें कि जी किसकी औकात ही कोई नहीं है जुल्फी बुखारी की, तो ये फिर नहीं, मतलब और क्या है कि उनकी वो चले उसकी स्टैंडिंग की कोई औकात नहीं, ये मैं कह रहा हूं चले हैं, मतलब ये कि खान साहब के नजदीक उसकी बड़ी औकात है, मैं चले यूं कह देता हूं। खान साहब उमरा करने जा रहे थे, इनको रोका था नैब ने, अभी वज़ीर-ए-आज़म का हलफ नहीं उठाया था, और जो पहली उन्होंने कानून की और आईन की खिलाफ वर्जी की थी, जो कहा करते थे कि जनाब के ये बादशाह बन जाते हैं इंटरनेशनल जरीदों में, जितने खान साहब के रीसेंट इंटरव्यूज चाहे हुए इन्हीं दोनों अफराद की वजह से हुए, इन्हीं दोनों और तो कोई ये तो राणा साहब का इजाज है। ये गरीदा फारूकी साहब आपके क्योंकि बात से स्टार्ट हुआ, आपने क्योंकि कहा और इसार साहब ने उस बॉल को कैच किया, उन्होंने कहा कि ये शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी जो है वो उनकी वक्त नहीं है, मैं डिसएग्री करूंगा माजरत के साथ, मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से पाकिस्तान तरीके साहब के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन दोनों को ये दोनों स्पेयर हेड कर रहे हैं वहां पे इस वक्त। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी महारत के साथ मेरे ऊपर डालने की कोशिश की है, मेरे तरह पाओ, मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, मैंने अपना एक एनालिसिस दिया है, इसार राणा साहिब ने अपना एक एनालिसिस दिया है, शहबाज गिल की हद तक मैंने कह दिया, लेकिन जुल्फी बुखारी एक संजीदा शख्सियत है, इमरान खान के पुराने दोस्त रहे हैं, उनके दस्ते रास रहे हैं, उनके पर्सनल मैटर्स वो संभालते रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि जिस तरह ऑन बुखारी किसी जमाने में बहुत करीब हुआ करते थे, ऑन चौधरी माजरत के साथ जुल्फी बुखारी ऑन चौधरी दोनों के दरमियान मिक्सअप हो गया, सो ऑन चौधरी जिस तरह करीब हुआ करते थे इमरान खान के, उसी तरह जुल्फी बुखारी भी बहुत करीब है, ना सिर्फ पर्सनल दोस्त हैं बल्कि वो एक साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं, बड़े संजीदा ओहदे पर, वो बजात खुद एक संजीदा शख्सियत है। ठीक है जी, ट्रंप की कॉल आती है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, व्हाट वुड बी अमेरिकन इंटरेस्ट, उससे अमेरिका को फायदा क्या होगा? तो इस वक्त चूंकि तमाम तर निगाहें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, इसलिए लोग भी जो है वो अब ये एक दावा है जिसको हम परख नहीं सकते किसी, नहीं 8 फरवरी को परख लिया इस बात को, 8 फरवरी को परखा गया, ख्याल दे विच परखा गया, नहीं नहीं मेरे ख्याल के ख्याल पूरी दुनिया सर, असल असल लुबे लुबाब जो डिस्कशन कर रहे हैं ना इस बात को, सर लुबे लुबाब 8 फरवरी को कौम ने, आप बता नहीं कह रहे हो, मैं मान जा, मैं 8 फरवरी को कौम ने बता नहीं दिया कि इमरान खान के साथ खड़े, ये सारा जो बुलबुला हुकूमत का बना हुआ है वो किथे है, वोट ही है, वोट ही है, आप बता नहीं कह रहे हो, मैं मान जा, मैं 8 फरवरी को कौम ने बता नहीं दिया कि इमरान खान के साथ खड़े, ये सारा जो बुलबुला हुकूमत का बना हुआ है वो किथे है, वोट ही है, वोट ही है, एक ही वोट से हवा में, और भाई वोट के बाद हुकूमत बनती है ट्रंप, अच्छा ये आप कहना कि आप कहना कि वोट की कोई इज्जत नहीं है, वोट से इज्जत वोट नहीं बनती हुकूमत, आप ये कहना सर, मेरी गल सुनो, मेरे नाल फजूल बोलने की जरूरत नहीं, ये फजूल बोल रहा हूं मैं, एक एक करके बात, एक एक करके जी, एक एक करके, एक एक मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि दावे जितने मर्जी कर लें, दावा कर लो तुसी के चंद ते पाकिस्तान गया होया और तुसी बोलण च बड़े अच्छे हो, वो जबान ढाड़ी बहुत लंबी होए ते तुसी दावा कर लो, ओके ठीक है, और तुसी मना लोगे ते सारे नु बैठे हां जी पाकिस्तान चंद ते पहुंचा है, बात ये है कि वोट पड़ा नहीं पड़ा हुकूमत किसकी है, अगर जाली वोट पड़ा था 47, 48, 40 फलाना फलाना, तो सर फिर हुकूमत डेग लो, ठीक भाई अवाम तो इमरान खान के साथ है ना, हाँ। तो हुकूमत डेग ले, ठीक 4 वोटों का फर्क था ना वो, आप चैलेंज दे रहे हैं कि इनविटेशन सर, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अच्छा इतने लाहौर होया था ना, वो जलसा हुआ था ना जी लाहौर में, कितने सी लाहौर, मवेशी मंडी में जी, मवेशी मंडी में, सर हम लाहौर के रहने वाले हैं, मैं लाहौरी हूं, जनाब भी लाहौरी है सर, जो यह पाबंदियां लगदियां लाहौरी शोर लाते हैं। इसार राणा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ट्रंप खुद अडियाला जेल आकर अडियाला जेल का दरवाजा खोले और इमरान खान को कहे कि बाहर आ जाओ, तो इमरान खान फिर भी बाहर नहीं आएगा। इमरान खान ने जो कुर्बानियां दी हैं वो इसलिए नहीं दी कि वो किसी डील के जरिए बाहर आएगा, बल्कि इमरान खान कानूनी तरीकेकार से अपने तमाम केसों को लड़ने के बाद तारीखी फतह हासिल करके बाहर आने को तरजीह देगा। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।